हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का मेरा इंग्लिश का सेक्शन है, और आज हम इस इंग्लिश के सेक्शन में एंटोनिम्स को डिस्कस करने वाले हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो वो मैंने सारे लिख दिए हैं और ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो पहले जाके वीडियोज़ देख लें ताकि आपको आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके, क्योंकि अब टेस्ट भी करीब आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें मैंने केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो वीडियोस देख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं मेरे इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस एंटोनिम्स में सबसे पहले आपका जो पहला वर्ड है वो है अफ्रेड। तो एंटोनिम्स हम किसे कहते हैं जो अपोजिट मीनिंग वर्ड्स हो। तो अफ्रेड का अपोजिट मीनिंग वर्ड्स क्या होगा? आपके पास पहला ऑप्शन है एंग्जियस, बी ऑप्शन आपके पास स्केयर्ड, डी ऑप्शन आपके पास और सी ऑप्शन है फियरलेस। तो अफ्रेड का जो करेक्ट एंटोनिम्स होगा वो होगा फियरलेस। ठीक है, अफ्रेड का मतलब होता है खौफ ज़्यादा, तो फियरलेस मीन्स जैसे कोई खौफ ना हो। ब्रीफ, तो ब्रीफ का एंटोनिम्स क्या होना चाहिए? लेंथी, स्मॉल या बिगिन। तो ब्रीफ का मतलब होता है स्मॉल, छोटा सा हो, तो उसका करेक्ट एंटोनिम्स क्या होगा? लेंथी। थर्ड जो वर्ड है आपके पास वो है ब्रेक, तो ब्रेक का एंटोनिम्स क्या होगा? क्रैक, गैप या कनेक्ट। तो ब्रेक का मतलब होता है टूटा हुआ, तो इसका जो करेक्ट एंटोनिम्स होगा एग्जैक्टली वो होगा कनेक्ट। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है सी। एंड फोर्थ वन जो वर्ड आपके पास वो है कन्विंस, तो कन्विंस का आपके पास करेक्ट एंटोनिम्स क्या होगा? कन्फ्यूज, कन्वर्ट या प्रूफ। तो कन्विंस का आपके पास जो करेक्ट एंटोनिम्स होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो होगा कन्फ्यूज, ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ वन वर्ड जो आपके पास है वो है कॉमन, तो कॉमन का आपके पास करेक्ट एंटोनिम्स क्या होगा? रेगुलर, जनरल या स्पेशल। तो कॉमन का एग्जैक्टली जो आपने सोचा है वही करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, स्पेशल। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड सिक्स वन जो वर्ड है आपके पास वो है करेजियस, तो करेजियस का करेक्ट एंटोनिम्स क्या होगा? कॉर्डली, ब्रेव या बोल्ड। ठीक है, करेजियस का जो सिनोनिम्स है वो ब्रेव एंड बोल्ड दोनों सिनोनिम्स है करेजियस के, लेकिन जो कॉवर्डली वर्ड है या आपके पास एंटोनिम होता है करेजियस का, तो आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट है। सेवन्थ वन जो वर्ड है पास वो है डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब होता है जो खुश हो, तो इसका करेक्ट एंटोनिम्स क्या होगा? हैप्पी, अपसेट या प्लीज्ड। तो डिलाइटेड का एग्जैक्टली जो करेक्ट एंटोनिम्स होगा जो आपने सोचा है वही करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो डिलाइटेड का आपके पास करेक्ट जो एंटोनिम्स है वो है अपसेट। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड एट्थ जो वर्ड है आपके पास वो है एक्साइटिंग, तो एक्साइटिंग का करेक्ट एंटोनिम्स क्या होगा? बोरिंग, एंग्री या लाइवली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा एक्साइटिंग का वो आपके पास होगा बोरिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड नाइन्थ वन जो वर्ड है आपके पास वो है इरीटेट, तो इरीटेट का करेक्ट एंटोनिम्स काम, एंग्री, सॉरी कॉम, एनोय या ग्रैंड। तो इरीटेट का जो आपके पास करेक्ट एंटोनिम्स होगा वो होगा कॉम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड लास्ट वन जो वर्ड है आपके पास वो है इंजर, तो इंजर का आपके पास करेक्ट एंटोनिम्स हार्म, हील या एक्सीडेंट। तो इंजर का आपके पास जो करेक्ट एंटोनिम्स होगा वो होगा एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी, हील। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं एंटोनिम्स के, जो हर टेस्ट में, एंट्री टेस्ट में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें आते हैं, जिन्हें हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो फिर भी मैं कह रहा हूँ कि वो जाके वीडियोज़ देख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके आप नोट्स बना दीजिएगा ताकि आप इसे आसानी से प्रैक्टिस कर सकें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं जो इस यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें इस वीडियो की लिंक भी शेयर कर दें ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन कम्प्लीट कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू।